अक्षय कुमार ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। एक्शन मूवी का बहुत ही अच्छा है। नीरज पांडे का एक्शन मतलब बहुत ही अच्छा करा है उन्होंने। पहले भी बने उनकी मूवीज में देखा है, वेट नाउ जो स्पेशल 26 बहुत अच्छा काम करा है। अनुपम खेर ने भी नो डाउट बहुत अच्छा एक्टिंग करी है। और एक्ट्रेस तपस्या बंधु को जितना रोल मिला है उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम करा है। पिक्चर इस साल की सबसे पहले ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से 150-200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेगी। बहुत बढ़िया रोल करा अक्षय कुमार ने। मैं कह सकता हूँ कि जो एक्शन रोल में पहले अभी बहुत कॉमेडी आई थी इसकी मूवी, एक्शन अभी उसने करा है तो बहुत अच्छे रोल करा है। और जो जो सपोर्टिंग कास्ट थी, डैनी बात कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद मूवी में आए तो बहुत अच्छा रोल करा उन्होंने भी। और विलन में वो है, वो तो है ही बहुत अच्छे। और ओवरऑल अच्छी मूवी थी, थोड़ी सी पैट्रियोटिक थीम भी थी थोड़ी मूवी में, और लोगों को पसंद आएगी ऐसा कह सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, एक इंस्पिरेशन देती है एक मूवी कि आप एन इंडियन हैं तो अपने इंडिया को सपोर्ट ही करें। और जनरली मैं यही कहूँगा कि वन टाइम वॉच मूवी है, इट्स एन एवरेज। अक्षय कुमार एक एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, वही स्पेशल 26 जैसी स्टोरी है, बट ओवरऑल ठीक है मूवी, वन टाइम वॉच देख सकते हैं। एक नंबर मूवी है, और जिनको वाकई में देश से प्यार है उन लोगों को तो ये आके देखना चाहिए कि इसमें जो चीज़ बताई गई है वो वास्तविक सत्य बात है। और ऐसा होना चाहिए, इंडिया की आर्मी को भी ऐसा करना चाहिए जैसा बाहर अमेरिका ने पाकिस्तान में जाके किया था, वैसा इंडिया को भी कोशिश करना चाहिए, आतंकवाद ख़त्म होगा इससे।